हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मुझे पता आप लोग अच्छे हो गए, तो एक और वीडियो आपके सामने लेके हाजिर हूँ आपका अभय सिंह। तो दोस्तों, आज हम लोग बताने वाले हैं वीडियो में अपनी स्टैमिना को कैसे बढ़ाएं, जो अपनी अंदरूनी ताकत होती है उसको कैसे इम्प्रूव करें। तो बिना किसी देरी किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो दोस्तों देखो, सबसे पहली बात तो ये हो जाती है, आपकी स्टेमिना आपके अंदर ही होता है, छिपा होता है, आपको बस खोजने की ज़रूरत होती है। देखो, सबसे पहली बात तो होती है नंबर एक पॉइंट, मैं आपको आज पांच ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके स्टेमिना और ताकत जो कमज़ोरी है ना, बिल्कुल दूर हो जाएगी 30 दिनों के अंदर। पर हाँ, जो पांच बातें मैं बताऊँगा, आपको मम्मी मम्मी कसमें हैं, आपको मम्मी कसम है कि उस बातों को फॉलो करना है। मतलब एक देखो, कोई बात मतलब सब दिमाग से जहन से निकाल दें, उन पांच बातों को अगर आप फॉलो कर लेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ 30 दिन के अंदर आपका स्टेमिना दुगना और तिगना हो जाएगा। वैसे देखो, पहली बात तो देखो मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली बात, पहली बात तो जो लोग मास्टरबेट करते हैं, हाथ हिलाना भैया बंद कर दो। हाथ चलाओगे तो फिर देखो समझो, हाथ चलाओगे तो ऊपर के रास्ता मतलब है, खटिया बिछी है, बस लेट जाओ ऊपर जाओ। क्योंकि हाथ चलाओगे तो हाथ चलाने में क्या होता पता है? अपनी अंदरूनी ताकत जो आप खाते हैं पीते हैं है? वो यार ताकत एक हाथ चलाने में निकाल लेते हैं तो क्या होगा। देखो, हंसने वाली बात नहीं, ये मैं सच बता रहा हूँ। तो हाथ चलाना बिल्कुल बंद कर दो, पहली बात तो ये हो जाती। और दूसरी बात आपको देखो मैं बताऊँ, जो लेट उठते हैं, लेट उठना तो बिल्कुल बंद कर दो। मैं भी उठता था, मैं भी मतलब टाइम पर उठने लगा हूँ। तो टाइम में उठना आपके लिए सबसे अच्छा होता है। देखो, सेहत के लिए अगर कुछ भी मतलब देखा जाए तो सेहत के लिए बहुत सारी बातें हैं। तीसरी बात आपको क्या करना है, आपको डेली वर्कआउट करनी, वर्कआउट एक दिन भी आपको मिस नहीं करना है। वर्कआउट में आप क्या कर सकते हैं, पहली बात पुशअप मार सकते हैं आप, 10 पुशअप डेली आप एक रूटीन बना लें अपना, 10 पुशअप 10 चिनअप जिसको लटकना कहते हैं, चिनअप मार सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद 10 उठक बैठक, ये तीन आपको रेगुलरली आपको डेली करना है, आपको मिस नहीं करनी है। ये वर्कआउट आप करेंगे ना तो स्टेमिना बहुत जल्दी आपका तेज़ी से बढ़ेगा, मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ भाई लोग। चौथी सबसे बड़ी बात, चौथी मैं बताता हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है चौथी, आप जो डेली लेट से सोते हैं, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, ये आपको रूटीन बना लेना है कि 9 बजे सोना है या 10 बजे सोना, 10 से तो ऊपर होना ही नहीं चाहिए। इससे देखो आपकी बॉडी फैक्ट पे बहुत असर पड़ता है यार, नींद कम मिलेगी ना तो कुछ नहीं हो, ग्रो ही नहीं करेंगे तुम्हारे जो बॉडी पार्ट है वो ग्रो कैसे करेंगे। तो आपको रूटीन बना लेना, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, और वर्कआउट तो प्रॉपरली करनी है। फ़ोन तो रात में आपको चलाना ही नहीं है, फ़ोन आप बंद करके धर दो। 9 के बजे थोड़ा बहुत देख लिया, लगे रहते हैं रील्स देखते रहते हैं, कुछ देखते रहते हैं, ये नहीं करना है। फ़ोन तो बिल्कुल नहीं चलाना है आपको, थोड़ी देर फ़ोन देख लिया बस रख दिया, फ़ोन बिल्कुल त्याग दो। फ़ोन त्यागोगे ना तभी बॉडी बना पाओगे आप। और पांचवी एंड अपनी लास्ट बात मैं इस तरीके से ख़त्म करूँगा, आप जो टाइमली खाना नहीं खाते, टाइम से खाना खाना, अच्छा खाना, हेल्दी रहोगे ना तो यार जीवन है तो सब कुछ है यार, शरीर है तभी जीवन है, शरीर नहीं है तो कुछ नहीं। मैं आपको यही बताना बार बार बताता हूँ, शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं तो कुछ नहीं। क्या कर पाओगे यार, शरीर ही नहीं बचेगा तो क्या कर पाओगे आप लोग। और यार ये मास्टरबेट करते हो ना, ये हिलाना बंद कर दो, मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, आगे चल के बहुत पछताओगे, बहुत मतलब ज़्यादा नुकसान होने वाला, आपका ही नुकसान होगा, मैं बता रहा हूँ। टाइमली खाना खाओ, टाइमली उठो, टाइमली वर्कआउट करना, सबका रूटीन बना लो यार। रूटीन बनाने में क्या, रूटीन हर एक चीज़ का आप बना सकते हैं, अगर एक गलत काम करने जा रहे हो तो रूटीन बनाते नहीं, फिर करते हैं फिर नहीं सोचते क्या होगा, इसका भी रूटीन बना लो यार। एक बार तुम 15 या 20 दिन करके तो देखो, मैं गारंटी दिलाता हूँ आपका जो आपकी जो ताकत है ना अंदरूनी, दोबारा से वापस मैं लाऊँगा, मैं बता रहा हूँ। तो यार टाइमली खाना खाओ, आपसे यही कहना, आप मुझे ये उम्मीद है आपसे कि आप टाइमली खाना खाएंगे, टाइमली सब कुछ करेंगे, जो जो मैंने पांच बातें बताएंगी उनको फॉलो करोगे। और आज के लिए बस इतना ही। तो भाई लोग, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उस साइड में जो लाइक वाला बटन, उस पर लाइक कर दें, एंड कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें अगर इसी से रिलेटेड आपको और वीडियो चाहिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अपनी राय ज़रूर दे के जाएँ।
और चैनल को मेरे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।